तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले साल बोर्ड में पूछे गए थे और इस साल भी 100% चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाएँ, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है, जो हमारे सामने है, वह सॉल्व फॉर एक्स। हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, 1/2a + b + 2x = 1/2a + 1/b + 1/2x। देखिए ये क्वेश्चन हमें सॉल्व जो करना है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार बदल भी दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स हो जाएगा खाली, यहाँ पर 3x हो जाएगा या 4x हो जाएगा, लेकिन एक्सप्रेशन जो होगी वो इसी तरह की रहेगी। तो इस तरह की एक्सप्रेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स वाले टर्म को पहले सेपरेट कर लिया जाए, है ना। तो जब हम एक्स वाले टर्म को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 1/2a + b + 2x, और ये वाला जो टर्म होगा वो हम इधर लेकर आ जाएंगे, और ये वाला टर्म हमने एज इट इज़ रखा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लें, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके का एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 2x। एलसीएम लेते वक्त हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि भाई देखिए जब भी हमारे पास यहाँ पर निशान होगा माइनस का, तो हम ये वाले टर्म को जब भी यहाँ पर लेकर जाएंगे तो हमेशा ब्रैकेट्स में रखेंगे, ठीक है ना। ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पर ही होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से ये माइनस के निशान हो जाएंगे सारे के सारे, जो हमें यहाँ प्लस में गिवन है, ठीक है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी प्लस में 2a। तो देखिए अब हमारे पास ध्यान से देखिए, ये वाला 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है, और देखिए यहाँ पर माइनस का निशान है। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर काटने वाले हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस में, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये वाली टर्म एज इट इज रखी और इसको खोल दिया। जब हमने इसको खोला, और देखिए मैंने साथ साथ एक और काम किया है, ये वाले को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मैंने x एज इट इज़ रखा और मैं इसको अंदर लेकर गया 4a प्लस में 2b, और इसको भी मैंने सेपरेट अलग कर दिया है 4x का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये वाला देखिए मैंने एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। देखिए अब ये वाला टर्म ये वाला कट गया, अरे वाह वेरी गुड। देखिए ये वाला और ये वाला एक जैसे ही अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी बी प्लस का, यहाँ पे भी बी प्लस का है, यहाँ पे 2a प्लस का, यहाँ पे भी 2a प्लस का है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4a प्लस में 2b, है ना, और ये x एज इट इज इक्वल्स टू में b प्लस में 2a अपॉन में ab। देखिए अब ये भी कट गया, हमारे पास क्या रह गया, -1/4x² + 4a + 2bx = हमारे पास 1/2ab हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना, क्योंकि दो एक्सप्रेशन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x² + 4a + 2b, यहाँ पर x एज इट इज इक्वल टू -ab। अब इस वाले टर्म को इधर लेकर आ जाएं तो ये हो गया 4x² + 4a + 2b, और ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास प्लस का हो जाएगा। देखिए अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² और यहाँ पे x^0। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हम लिखेंगे b² - 4ac, हमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो जो a की वैल्यू होगी हमारे पास वो होती है x² का कॉफिशेंट, तो x² का कॉफिशेंट क्या है, 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। b जो होता है वो होता है हमारे पास x का कॉफिशेंट, तो x का कॉफिशेंट क्या है, x का कॉफिशेंट हमारे पास ये है। इसी तरीके c हमारे पास क्या हो जाएगा, 2ab। अब देखिए अब हमें इस वाले फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी अप्लाई कर देना है। तो देखिए 4a + 2b² - 4a, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा c, देखिए b² - 4ac। अब देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी होल स्क्वायर की, वो हमारे पास क्या है, a² + b² + 2ab, वेरी गुड। ये हो गया 4a² + b² और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस में 2a और यहाँ पर हो जाएगा b, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो ये हो गया 32ab। अब देखिए मैंने ये वाली टर्म एज इट इज़ रखी, ये वाली टर्म भी मैंने एज इट इज़ रखी,
और यहाँ पर देखिए मैंने इसको खोला तो ये 16 AB हो गया, इसमें से माइनस करेंगे 32 AB, तो हमारे पास हो गया 4A का स्क्वायर प्लस में 2B का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस में 16 AB, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, ये हमारे पास हो गया 4A माइनस में 2B के होल स्क्वायर के बराबर। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। देखिए x बराबर हमारे पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस में 4AC, यही होता है ना, अपॉन में 2A, तो इसका मतलब एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है, ठीक है। तो हमारे पास x बराबर, देखिए अभी अभी हमने b की वैल्यू को बताया था कि b की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4A प्लस में 2B। यहाँ पर देखिए एक बार हम पहले प्लस वाला ले रहे हैं और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों ने क्या निकाली है, 4A माइनस में 2B का होल स्क्वायर। देखिए अब इससे ये वाला स्क्वायर कट जाएगा अपॉन में 2A, A की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, A की वैल्यू हमारे पास 4 है, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 4A, देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, ध्यान रखना है हमें, माइनस 2B और ये प्लस का निशान, 4A माइनस में 2B अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास कितना 8, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, देखिए इससे ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4b अपॉन में 8, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन में 2, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम लोग इसके माइनस वाली टर्म का भी आंसर निकालेंगे, तो माइनस बी, तो इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, इसके में हम यहाँ पर माइनस का यूज़ करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमें बी की वैल्यू हमें पता ही है कि हमारी ये वाली वैल्यू है, और यहाँ पर प्लस की जगह पर हमें माइनस का यूज़ करना है, और 4a माइनस में 2b का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास x बराबर हो जाएगा माइनस का 4a माइनस का 2b। अब देखिए ये हो जाएगा ब्रैकेट में, इससे ही कट गया रूट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4a माइनस में 2b अपॉन में 8, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए अब जो हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस a माइनस में 2b, ये हो जाएगा प्लस में, देखिए माइनस में हो जाएगा 4a प्लस में 2b अपॉन में 8। अब देखिए इससे ये कट गया, हमारे पास x बराबर आ गया माइनस 8a अपॉन में 8, इससे इसको काट देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस a, ये हमारा आंसर है।